नाम है सोनू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लम्बर थेरेपी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झूला बड़ा के बारे में। दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग आउटडोर में पाइप फिटिंग कर रहे थे, 16 मंजिला बिल्डिंग में काम कर रहे थे और उसमें झूला बड़ा भी काम हम लोग काम में लिए थे। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि झूला बड़ा कैसा आप लोग बनाते हैं, किस टाइप का झूला बड़ा आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ कि कैसे झूला बड़ा बनाया जाता है, किन किन कामों में झूला बड़ा लिए जाते हैं और किस किस टाइप के झूला बड़ा होते हैं। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा जिसमें हम लोग आउटडोर पाइप फिटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आई लिंक में, यहाँ पे आप वो वीडियो क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी तरह का आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करते हैं नीचे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को टॉपिक की तरफ और आगे आपको बताते हैं पूरा। दोस्तों जैसा कि बड़े बड़े इमारत बिल्डिंग बनते हैं उसमें जब बाहर का काम होता है तो हम जैसे वर्कर और बहुत सारे वर्करों का एक साधन बनता है झूला भाड़ा, और बहुत से वर्कर झूला भाड़ा में काम करते हैं जैसे कि पेंटिंग, एसी, प्लंबिंग तक का काम होता है और बहुत से काम किए जाते हैं। दोस्तों मैं आज आपको तीन ऐसे झूले भाड़े के बारे में बताऊँगा जो बड़े बड़े इमारत में काम में लिए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो 5 से 6 मिनट तक का है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे प्लेट है और ये झूला बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये झूला बड़ा देख सकते हैं, ये एक सिंगल आदमी को बैठने का झूला बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसमें ये पटरा यहाँ पे नीचे रखा गया है और इसमें 4 रस्सी जोड़े जाते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और 1 रस्सी इसको बांध दिया जाता है और इसमें नीचे इसको क्लेम से और नारियल रस्सी से और इसको प्लास्टिक रस्सी से दोनों से मिलाकर अच्छी तरह से इसको बांध दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि झूला बड़ा में सिर्फ एक आदमी बैठ कर काम कर सकता है और ऊपर में जो इमारत का छत होता है उसके ऊपर इसको बांध दिया जाता है, चाहे कोई एक इंसान उसमें ऊपर रहता है उसको खींचने के लिए, और इस झूला बड़ा में बैठ के पेंटिंग या प्लम्बिंग काम हम लोग करते हैं। और दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एक डेंजर झूला बड़ा के बारे में जो हर एक बिल्डिंग में वो झूला बड़ा पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है चालू भाड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्कर भाई यहाँ पे भाड़ा को बना रहा है। तो इसमें पूरा ये बांस का बना हुआ रहता है और इसको पूरा नारियल रस्सी से पूरा मजबूती के साथ इसको बांधा जाता है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको पूरा यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मतलब बिल्डिंग के चारों ओर यहाँ पे लगाया गया है और पूरा ऊपर तक इसको लगाया गया है और बहुत ही मजबूती से इसको बांधा गया है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों इसको ज़्यादातर राजमिस्त्री जो होते हैं ईंट जुड़ाई से लेके प्लास्टर तक का काम करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही पुराना मतलब साधन है, बहुत से मतलब आप घरों में देखते होंगे कि अभी भी ये बहुत ही जगहों में ये काम करने के लिए लिया जाता है। और छोटे छोटे जैसे छोटे घर बनते हैं और बड़े भी घर बनते हैं तो उसमें भी इसको जो राजमिस्त्री होते हैं उसके वर्कर लोग इसको बनाते हैं, अपने से इसको बनाना होता है और वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। और देख सकते हैं पूरा मतलब इसी से पूरा एक एक बांस जोड़ के एक एक ईंट जोड़ के पूरे इतने बड़े बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाता है। और दोस्तों यह है तीसरा झूला बड़ा जिसमें हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जो अपलोड किए थे उसमें भी हम लोग इसी झूला बड़ा में काम कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये झूला बड़ा है, इसमें एक बांस होता है 4 से 5 फुट का एक बांस होता है और एक मोटी रस्सी होती है जिसमें दोनों तरफ से एक बांस को बांध दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों मतलब एक के ऊपर एक बांस बांधा जाता है और इसका जो रस्सी होता है बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इसको दोनों तरफ से बांधा जाता है। और जो उसका ऊपर से मतलब अगर आप इसको ऊपर कहीं अगर बांधना चाहते हैं इसको सपोर्ट के लिए तो आप पिलर अगर है तो पिलर बांध दीजिए, अगर पिलर नहीं है तो उसमें आप 9 से 10 बोरा बालू रख के आप बांध सकते हैं। और दोस्तों ये झूला बड़ा में 2 से 3 आदमी बैठ के काम भी कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डग में निकाला गया है। दोस्तों इसका जो बांधने का तरीका होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये नारियल रस्सी जो होता है पहले उसको पानी में अच्छी तरह से भिगो लेना होता है, उसके बाद में ये जो झूला बड़ा होता है उसको अच्छी तरह से इसमें फंसा के मोटी रस्सी में इसको फंसा के उसके बाद में बांस को पूरा बांधा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे बांधा जाता है। दोस्तों मैं एक राय देना चाहता हूँ, जब भी आप झूला बड़ा में काम करें तो सेफ्टी बेल्ट लगा के जरूर काम करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।